हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे हैं खोज डील। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिश वॉशर्स के बारे में। तो जिन लोगों को नहीं पता डिश वॉशर होता क्या है, उन्हें मैं बता देता हूँ। ये घर की किचन की वॉशिंग मशीन है। जैसे आपके बाथरूम में वॉशिंग मशीन होती है कपड़े धोने के लिए, ऐसे ही आप कह सकते हैं किचन की वॉशिंग मशीन है, जो कि आपके यूटेंसिल्स और वेसल्स जो बर्तन होते हैं उनको साफ करने के लिए यूज़ होती है। तो अब ऐसे में आपने सुना होगा कि हमने तो कभी अपने आसपास ज़्यादातर घरों में डिश वॉशर नहीं देखे। वो इसलिए क्योंकि ये थोड़ा एक्सपेंसिव अप्लायंस है। ज़्यादातर आपके घरों में किचनों में अप्लायंसेस यूज होते हैं, आप थोड़े चीप अप्लायंसेस यूज करते हैं। अगर हम डिश वॉशर की बात करते हैं तो इनकी जो प्राइस रेंज है वो लगभग 20-25 हजार से स्टार्ट हो जाती है और 30 से 40 हजार तक जाती है। और मैं ये सिर्फ आपको नॉर्मल डिश वॉशर्स की बात कर रहा हूँ, कुछ ज्यादा हाई फाई फीचर्स के साथ जो डिश वॉशर्स आते हैं उनकी बात नहीं कर रहा। नॉर्मल डिश वॉशर्स का जो प्राइस है वो ही इतना होता है। लेकिन फिर भी अगर आप इनके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आज मैं आपके लिए बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको टाइप्स ऑफ डिश वॉशर भी बताऊंगा, डिश वॉशर खरीदते समय किन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना चाहिए वो भी बताऊंगा, और मार्केट में कौन से टॉप ब्रांड्स और उनके कौन से टॉप 5 मॉडल्स हैं, किन किन फीचर्स के साथ वो आते हैं और कितनी प्राइस रेंज के वो पड़ते हैं, ये सारी जानकारी इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ डिश वॉशर से। तो टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो चार डिफरेंट टाइप्स के डिश वॉशर्स होते हैं। सबसे पहला होता है बिल्ट इन डिश वॉशर। तो आपने जो आजकल देखा होगा मॉड्यूलर किचन्स होती हैं जिसमें सारी चीज़ें किचन के कैबिनेट्स जो होते हैं उनमें आपको बिल्ट इन मिलती हैं, वैसे ही एक डिश वॉशर वो पूरा कैबिनेट के अंदर सेटअप हुआ हुआ आपको मिलता है, तो उसको बोलते हैं बिल्ट इन डिश वॉशर, जो कि काउंटर के अंदर ही फिक्स्ड होती है। ये ज़्यादातर आपको देखने को नहीं मिलेगी, जो मॉड्यूलर किचन्स होती हैं उनमें ही आपको देखने को मिलेगी, अलग से आप इसको नहीं लगवा सकते। अगर बात करें टाइप की तो वो आ जाता है कॉम्पैक्ट डिशवॉशर। इस वीडियो में ज्यादातर हम कॉम्पैक्ट डिशवॉशर की ही बात करेंगे, जो मैं आपको मॉडल दिखाऊंगा वो भी कॉम्पैक्ट डिशवॉशर्स ही होंगे। अब ये कॉम्पैक्ट डिशवॉशर्स नॉर्मल छोटी किचन्स के लिए बने होते हैं। इंडिया में आपने देखा होगा जो किचन वाला एरिया होता है वो इतना बड़ा नहीं होता, जो छोटे हाउसेज होते हैं उनके हिसाब से भी अगर मैं बात करूं तो वहां पर छोटे छोटे अप्लायंसेस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जैसे कि बाहर के आपने घर देखे होंगे वो काफी स्पेशियस घर होते हैं, या फिर इंडिया में भी अगर मैं बात करूं जो थोड़े हाई क्वालिटी के हाउसेज होते हैं उनमें आपने देखा होगा कि वहां पर आप डबल डोर ट्रिपल डोर जैसे बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर्स तक यूज कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल जो घर होते हैं वहां पर आपको छोटे रेफ्रिजरेटर्स यूज करने होते हैं क्योंकि जगह कम होती है। इसलिए कॉम्पैक्ट डिशवॉशर्स आते हैं तो उनकी भी जगह कम होती है, आप उनको इजीली मूव कर सकते हैं किचन में, लेकिन उनके साथ ड्रॉबैक यह है कि क्योंकि जगह कम है तो उनमें जो यूटेंसिल्स हैं वो भी आप कम रख सकते हैं। एक बारी में जब उसमें आप वॉश करेंगे तो कम यूटेंसिल्स ही आप उसमें रख सकते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तीसरा टाइप आ जाता है ड्रॉयर डिशवॉशर का। तो इसके नाम से ही आपको पता लग रहा है कि इसमें छोटा सा एक ड्रॉयर होता है, तो आपको ड्रॉयर को स्लाइड करके बाहर निकालना है, उसमें अपने बर्तन रखने हैं और उसके बाद उसको अंदर की तरफ स्लाइड कर देना और वो उसको आप ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसमें आपका सबसे बड़ा फायदा ये हो जाता है कि आप इसको इजीली ऑपरेट कर सकते हैं, आपको नीचे झुकना नहीं पड़ता बर्तन रखने के लिए, आप खड़े खड़े उसमें बर्तन रख सकते हैं उसको बाहर की तरफ स्लाइड करके, और बाद में आप उसको इजीली अंदर की तरफ स्लाइड कर सकते हैं। तो जो ये ड्रॉयर डिशवॉशर्स होते हैं इनको भी आप प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया इस वीडियो में जो आने वाले मॉडल्स हैं उनमें मैं सिर्फ आपको कॉम्पैक्ट डिशवॉशर्स ही बताऊंगा, क्योंकि इंडियन किचन्स के हिसाब से कॉम्पैक्ट डिशवॉशर्स बेस्ट होते हैं। लास्ट टाइप के जो डिशवॉशर्स होते हैं वो होते हैं पोर्टेबल डिशवॉशर्स। ये काफी छोटे होते हैं, इनको आप इजीली उठा के एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं, जब आपका मन करे तब आप उनको यूज कर सकते हैं और वापस रख सकते हैं। तो लेकिन इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा पोर्टेबल है, इसका मतलब इसका साइज काफी छोटा होगा, इसका मतलब आप इसमें कम बर्तन कम यूटेंसिल्स एक बारी में वॉश कर सकते हैं क्लीन कर सकते हैं। तो ये थे चार टाइप के डिशवॉशर्स जो काफी ज्यादा चलते हैं, इनमें से इंडियन किचन के हिसाब से कॉम्पैक्ट डिशवॉशर है उसके ऊपर हम बात करेंगे। अब समझ लेते हैं उन पॉइंट्स को जो डिशवॉशर खरीदते समय आपको ध्यान में रखने होते हैं। डिशवॉशर खरीदते समय जो पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना होता है वो होता है क्वालिटी ऑफ मटेरियल, यानी कि जो डिशवॉशर का मटेरियल है वो किस क्वालिटी का बना हुआ है। तो ये ज्यादातर स्टेनलेस स्टील में आपको मिलते हैं, लेकिन जब भी आप डिशवॉशर खरीद रहे हैं एक बार उसके मटेरियल के बारे में पता कीजिए, क्या पता वो स्टेनलेस स्टील का ना हो किसी दूसरे मटेरियल का आपको मिल रहा हो। बेस्ट मटेरियल स्टेनलेस स्टील ही माना जाता है, और इसी को कंसीडर करते टाइम आप ये भी देख सकते हैं कि उसका स्टाइल कैसा है, लुक कैसा है, दिखने में वो कैसा लगता है। हालांकि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप फ्लॉन्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमारे स्मार्टफोन्स होते हैं वो दिखाने में काफी अच्छे होने चाहिए क्योंकि हम उनको डेली अपने हाथ में कैरी करके घूमते रहते हैं और हम उन्हें फ्लॉन्ट करना चाहते हैं, लेकिन डिशवॉशर कोई ऐसा अप्लायंस नहीं है जिसको आप फ्लॉन्ट कर सकें। लेकिन फिर भी अगर आप इसको कंसीडर करना चाहते हैं तो मटेरियल के साथ साथ आप उसका स्टाइल भी कंसीडर कीजिए कि वो दिखने में कैसा लगता है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको कंसीडर करना होता है वो है क्लीनिंग। क्लीनिंग से मेरा मतलब है कि डिशवॉशर आपके बर्तनों को सिर्फ वॉश करता है या वॉश के साथ साथ ड्राई भी करता है। तो मार्केट में ऐसे काफी सारे डिशवॉशर
डिशवॉशर्स आपको मिल जाएंगे जो सिर्फ वॉश करते हैं, कुछ ऐसे भी आपको मिल जाएंगे जो वॉश के साथ साथ ड्राई भी करते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने वाले के साथ जाना चाहते हैं। इनके प्राइस रेंज में भी डेफिनेटली डिफरेंस होगा क्योंकि एक्स्ट्रा फीचर आपको मिल रहा है। तो मैं आगे जितने भी मॉडल्स आपको दिखाऊंगा उनके हिसाब से आप खुद कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना होता है वो है ईज ऑफ यूज, यानी कि कितना ईजिली आप अपने डिशवॉशर को यूज कर सकते हैं। इसमें सबसे बेसिक से स्टार्ट हो जाता है कि इसके अंदर आप कितने वेसल्स रख सकते हैं, कितने बर्तन रख सकते हैं, क्या उन्हें रखने के लिए जगह है या नहीं, जो रैक्स हैं वो एडजस्टेबल हैं या नहीं, क्या आप उनको स्लाइड कर सकते हैं इजीली, कितनी जगह उनमें बना सकते हैं, ये सारी चीजें आपको देखनी होती हैं। और लास्ट में एक और चीज आपको देखनी होती है वो है टच पैड कंट्रोल, क्योंकि ये एक ऐसा अप्लायंस है जिसमें लिक्विड का यूज रहता है यानी कि पानी का यूज रहता है। तो जब आप उसमें से अपने बर्तन निकाल रहे होंगे तो थोड़ा बहुत पानी उनमें रह जाता है, तो ऐसे में जो इसके, क्योंकि ये डिजिटल अप्लायंस है तो ऐसे में जो इसके कंट्रोल्स हैं वो ऐसे नहीं होने चाहिए कि उनमें पानी चला जाए और वो खराब हो जाए। ऐसे में टच पैड कंट्रोल्स होते हैं वो बेस्ट माने जाते हैं क्योंकि उनमें पानी जाने की संभावना नहीं होती और वो ज्यादा लंबे समय तक चलते हैं। तो जो भी आप डिशवॉशर खरीदें उनमें ये सारी चीजें देख लीजिए, स्पेशियस हैं या नहीं, जगह उनमें अच्छे से है या नहीं, एडजस्टेबल रैक्स हैं या नहीं, और टच पैड कंट्रोल है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना होता है वो होता है वॉश प्रोग्राम्स। वॉश प्रोग्राम से मतलब होता है कि इसमें कितने डिफरेंट प्रोग्राम्स आपको मिलते हैं बर्तन साफ करने के लिए। अब हम सबके घरों में सेम बर्तन तो नहीं होते, कुछ स्टेनलेस स्टील होते हैं, कुछ आपको बड़े बर्तन मिलेंगे कढ़ाई जैसे, कुछ आपको ग्लासवेयर मिलेंगे, कुछ सेरामिक वेयर आपको मिलेंगे। तो ये अलग अलग तरीके के बर्तन जो होते हैं इन पे अलग अलग इंटेंसिटी के साथ सफाई होती है। तो ये जो वॉश प्रोग्राम्स होते हैं डिशवॉशर्स में आपको डिफरेंट वॉश प्रोग्राम्स मिलते हैं, यानी कि किस तरीके के बर्तन को आप क्लीन करना चाह रहे हैं उस हिसाब से आप अपने प्रोग्राम में डिफाइन कर सकते हैं और उस हिसाब से वो डिशवॉशर काम करेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फीचर है। नेक्स्ट फीचर जो आपको कंसीडर करना होता है वो होता है साइकिल टाइम, यानी कि कितनी देर में आपके बर्तन क्लीन होते हैं। तो ये 90 मिनट से लेकर 3 आवर्स तक, यानी कि 1.5 घंटे से लेकर 3 घंटे तक डिफरेंट साइकिल मोड इसमें आपको मिलते हैं। क्विक वॉश साइकिल मोड भी आपको मिलता है, यानी कि अगर आप जल्दी अपने यूटेंसिल साफ करना चाहते हैं तो ये डिफरेंट मोड्स आपको मिलते हैं। तो आपको ये सारे साइकिल टाइम उसमें देखने चाहिए कि कितना टाइम आपके जो डिशवॉशर है वो ले रहा है बर्तन को क्लीन करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको कंसीडर करना होता है वो होता है सेंसर। क्या आपके डिशवॉशर में डिफरेंट ऐसे सेंसर्स हैं जो क्लीनिंग में हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि टेम्परेचर सेंसर, वाटर सेंसर, यानी कि कितने टेम्परेचर के साथ आपके यूटेंसिल्स क्लीन करे जा रहे हैं, कितना वाटर लेवल है, कितने वाटर लेवल की रिक्वायरमेंट है। तो ये जो डिफरेंट सेंसर्स होते हैं ये आपको चेक करने चाहिए। इनके अलावा दो और छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको देख लेने चाहिए, जिसमें एक है फिल्टर और दूसरा है नॉइज। नॉइज से मतलब हो जाता है कि कितना वो डिशवॉशर आवाज कर रहा है, कहीं ज्यादा आवाज तो नहीं कर रहा जिससे आपको दिक्कत होए। और दूसरा फिल्टर से आपको ये देखना होता है क्या उसका फिल्टर मैनुअली क्लीन फिल्टर है या ऑटोमेटिकली क्लीन है। दोनों के अपने प्रोज हैं और कॉन्स हैं। मैनुअल वाले के प्रोज ये हैं कि उसमें आवाज कम होती है, कॉन्स ये हैं कि आपको मैनुअली उसको साफ करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक फिल्टर में प्रोज ये है कि वो ऑटोमेटिकली साफ हो जाता है, कॉन्स ये हैं कि वो आवाज ज्यादा करता है। तो ये चीजें आपको देखनी होंगी और ये सारे पॉइंटर्स थे जो मैंने आपको बताए हैं एक डिशवॉशर खरीदते समय आपको ध्यान में रखने होते हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी पॉइंटर के बारे में डिटेल में जानना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। अब बढ़ते हैं हमारी वीडियो के मेन पार्ट की तरफ, जहां पर मैं आपको टॉप 5 मॉडल्स दिखाऊंगा डिशवॉशर के जो मार्केट में अवेलेबल हैं, उनके प्राइस भी बताऊंगा, किस ब्रांड की तरफ से हैं वो ये भी बताऊंगा, और उनमें क्या क्या फीचर्स हैं ये सारी चीज हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी इस लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पर हमने जो डिशवॉशर रखा है वो है वोल्टास ब्रांड की तरफ से। वोल्टास काफी पॉपुलर इंडियन ब्रांड है, ये बात आपको पता होगी। ये जो डिशवॉशर है इसका करंट प्राइस है 20,989, और इसका ये जो प्राइस है ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, जिसके बारे में अभी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसके फीचर समझ लेते हैं। तो मटेरियल से स्टार्ट करते हैं। स्टेनलेस स्टील मटेरियल का ये डिशवॉशर है, जिसमें आपको 8 प्लेस सेटिंग्स मिलती हैं, यानी कि आप इसमें टोटल 96 वेसल्स, अप टू 96 वेसल्स आप इसमें एक बारी में रख सकते हैं क्लीन करने के लिए। और इसके अलावा इसमें आपको 6 प्रोग्राम सेटिंग्स मिलती हैं, वॉश प्रोग्राम्स मिलते हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरू में एक्सप्लेन किया था, डिफरेंट तरीके के प्रोग्राम्स मिलते हैं आपके यूटेंसिल्स को क्लीन करने के लिए। वाटर साइकिल की अगर मैं बात करूं तो इसमें 8 लीटर के वाटर कंजम्पशन होता है पर साइकिल के हिसाब से। और साथ में इसमें आपको इंटेंसिव 70C फीचर मिलता है। इंटेंसिव 70C फीचर का मतलब है जो बड़े बर्तन होते हैं जैसे कि कढ़ाई, उनको साफ करने के लिए ज्यादा इंटेंसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो फीचर भी इसमें आपको मिलता है। और लास्ट में वारंटी की बात करूं तो इसमें आपको 2 साल की वारंटी मिलती है। जितने भी मॉडल्स मैं आपको दिखाऊंगा उसमें स्टैंडर्ड सब में आपको 2 साल की वारंटी ही मिलती है। तो ये था पहला मॉडल। अब ध्यान से देखिए, इसमें मैंने जो आपको प्राइस बताया था वो 21,000 बताया था, और मैंने कहा था ये अभी का प्राइस है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो ये प्राइस मैंने अमेजोन से उठाया क्योंकि अमेजोन पे सबसे कम प्राइस था, और अभी का प्राइस है, और हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो तब इसका प्राइस थोड़ा बढ़ गया हो, घट गया हो। तो इसलिए इस प्रोडक्ट का और आगे आने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखाऊंगा उन सबका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं एक बार उन लिंक पे क्लिक करके अमेजोन पे विजिट कीजिए, हो सकता है वहां
पर ये प्राइस थोड़ा और घट गया हो या बढ़ गया हो या और कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको नहीं बता पाया हूँ, वो सब आपको वहाँ देखने को मिल जाएंगी। और आपके और मेरे जैसे कितने यूजर्स हैं जो ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं और अमेजोन जैसी साइट्स पर अपने रिव्यूज भी अपने शेयर करते हैं लोगों के साथ, तो अगर आप उनके रिव्यूज चेकआउट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉडल जो हमारी लिस्ट में है वो है बॉश ब्रांड की तरफ से। मॉडल नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस मॉडल का जो करंट प्राइस है वो है 38,599, यानी कि 38,500 या 39,000 आप लोग कह सकते हैं। अब देखिए पिछले वाले मॉडल के मुकाबले इसका प्राइस लगभग दोगुना हो चुका है। उसका रीजन क्या है वो अभी हम समझेंगे। फीचर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके मटेरियल की बात करते हैं तो वो भी स्टेनलेस स्टील मटेरियल का बना हुआ है और इसमें जो आपको प्लेस सेटिंग्स मिलती है वो 13 प्लेस सेटिंग्स मिलती हैं। पिछले वाले मॉडल में 8 प्लेस सेटिंग्स थी, यानी कि इसमें आप ज्यादा बर्तन रख सकते हैं एक बारी में पिछले वाले मॉडल के मुकाबले, इसलिए इसका प्राइस थोड़ा बढ़ गया है। वॉच प्रोग्राम्स इसमें भी आपको सेम मिलेंगे, 6 वॉच प्रोग्राम्स आपको मिलते हैं और इसमें भी आपको इंटेंसिव कढ़ाई प्रोग्राम मिलता है, यानी कि जो बड़े बर्तन होते हैं उनको साफ करने के लिए जो ऑप्शन चाहिए होता है वो इसमें भी आपको मिल जाएगा। और ये एक साइकिल में 10 लीटर वाटर कंजम्पशन करता है ये वाला डिशवॉशर। बाकी इस पे भी आपको 2 साल की वारंटी ही मिलती है। तो आप देखिए यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस बढ़ गई, जगह जहाँ पर बढ़ गई आपके वेसल्स यूटेंसिल्स को डिशवॉशर में रखने के लिए। प्राइस देखिए कितना बढ़ गया, लगभग 40,000 के आसपास इसका प्राइस पहुँच चुका है। तो इस तरीके से आपको डिसीजन लेना है कि आपके घर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप किस मॉडल के साथ जाना चाहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट मॉडल की तरफ। नेक्स्ट मॉडल जो हमारी लिस्ट में है वो है Amazon Basics ब्रांड की तरफ से। Amazon Basics अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, ये Amazon का ही ब्रांड है और काफ़ी सारे ऐसे अप्लायंसेज होते हैं जो Amazon Basics ब्रांड के नाम से बेचता है, तो ये उन्हीं में से एक है। इस डिशवॉशर का जो करंट प्राइस है वो है 24,499, यानी कि 24,500 आप लोग कह सकते हैं। अब Amazon Basics के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें एक बात मेरे को काफ़ी बढ़िया लगती है कि उनमें जो क्वालिटी आपको मिलेगी वो टॉप प्रोडक्ट्स के हिसाब से मिलेगी और प्राइस जो होता है वो काफ़ी कम मिलता है। आपने देखा प्राइस कितना कम है, 24,499 में पहले वाले मॉडल के पास है ज्यादा और जो सेकंड मॉडल मैंने आपको दिखाया था उससे बहुत कम प्राइस है। अब इसमें इसके फीचर्स देख लेते हैं तो मटेरियल से बात करते हैं। मटेरियल इसमें स्टेनलेस स्टील मटेरियल आपको मिलता है और इसमें आपको 12 प्लेस सेटिंग्स मिलती हैं, यानी कि पहले वाले मॉडल से 4 प्लेस सेटिंग ज्यादा है और जो दूसरा मॉडल मैंने आपको दिखाया था उससे बस 1 प्लेस सेटिंग कम है और प्राइस देखिए कितना कम हो गया। इसके अलावा अगर मैं इसके वॉश प्रोग्राम की बात करूं तो इसमें आपको 7 वॉश प्रोग्राम मिलते हैं। अभी जो 2 मॉडल मैंने आपको दिखाए थे उन दोनों में 6 वॉश प्रोग्राम थे, इसमें 1 वॉच प्रोग्राम आपको एक्स्ट्रा मिलता है। इसके अलावा इसमें भी आपको इंटेंसिव कढ़ाई प्रोग्राम मिल जाता है, यानी कि बड़े बर्तन आप इजीली साफ कर सकते हैं। 11 लीटर की वाटर कंजम्पशन इसमें होती है एक साइकिल में और इसमें भी आपको 2 साल की वारंटी मिलती है। 2 साल की वारंटी ओवरऑल प्रोडक्ट पे मिलती है और 5 साल की वारंटी आपको इसकी मोटर पे मिलती है। तो ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, Amazon Basics के जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें क्वालिटी ज्यादा आपको मिल जाती है और प्राइस काफी कम मिल जाता है। आगे डिसीजन आपका है। नेक्स्ट मॉडल जो हमारी लिस्ट में है वो है फेबर ब्रांड की तरफ से। अगर आप लोगों के घर पे किचन अप्लायंसेज आप लोग यूज करते हैं तो आपको फेबर का नाम जरूर पता होगा। किचन अप्लायंसेज में काफी सारे ऐसे मॉडल्स हैं जो फेबर कंपनी बनाती है, डिशवॉशर भी उन्हीं में से एक है। इस मॉडल के अगर करंट प्राइस की मैं बात करूं तो वो है 27,100, यानी कि 27,000 रुपए आप लोग कह सकते हैं। अब फीचर समझ लेते हैं। इसका जो मटेरियल है वो भी स्टेनलेस स्टील मटेरियल आपको मिलेगा। 12 प्लेस सेटिंग इसमें भी आपको मिलती है, 6 वॉशेबल प्रोग्राम्स मिलते हैं और इसमें वाटर कंजम्पशन की अगर मैं बात करूं तो वो है 10 से 17 लीटर। डिपेंड करता है कि किस तरीके का वॉश प्रोग्राम आप यूज कर रहे हैं, उस हिसाब से 10 से 17 लीटर के वाटर कंजम्पशन के बीच में कहीं पर ये वाटर कंज्यूम करता है। इसके अलावा इसमें भी 2 साल की आपको वारंटी मिलती है और इंटेंसिव फीचर इसमें भी आपको मिल जाएगा, यानी कि बड़े बर्तन आप इजीली साफ कर सकते हैं। तो ये भी एक मॉडल है पिछले वाले मॉडल के जैसा ही है ये जो अभी Amazon Basics का आपने देखा था, लेकिन प्राइस थोड़ा सा बढ़ गया क्योंकि डिफरेंट ब्रांड की तरफ से है। तो डिसीजन आपका है। नेक्स्ट डिशवॉशर मॉडल और आज की इस वीडियो का लास्ट डिशवॉशर मॉडल जो हमारी वीडियो में है वो है IFB ब्रांड की तरफ से। IFB अगेन काफी पॉपुलर ब्रांड है। इस मॉडल के करंट प्राइस की अगर मैं बात करूं तो वो है 35,490, यानी कि 35,500 रुपए आप लोग कह सकते हैं। फीचर से स्टार्ट कर लेते हैं। इसका जो मटेरियल है वो स्टेनलेस स्टील नहीं है, वो विनाइल कोटेड गैल्वेनाइज्ड आयरन है। अब ये क्या मटेरियल है, ये स्टेनलेस स्टील से थोड़ा कम बढ़िया होता है, स्टेनलेस स्टील बेस्ट माना जाता है, लेकिन गैल्वेनाइज्ड आयरन है, यानी कि इसमें भी जंग नहीं लगता। जैसे कि स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगता ऐसे ही इसमें भी जंग नहीं लगता। इसके अलावा इसमें आपको 12 प्लेस सेटिंग्स मिल जाती हैं जैसे कि अभी सारे मॉडल्स में आपने देखी, और इसके अलावा 8 वॉशेबल प्रोग्राम्स है, यानी कि सबसे ज्यादा वॉश प्रोग्राम्स इसमें आपको मिलते हैं। वाटर कंजम्पशन की अगर मैं बात करूं तो 9 लीटर का वाटर कंजम्पशन इसमें होता है, प्लस इसमें भी आपको इंटेंसिव फीचर मिल जाएगा, यानी कि बड़े बर्तन आप इजीली साफ कर सकते हैं, और लास्ट में 2 साल की वारंटी आपको इस मॉडल पर भी मिल जाएगी और 8 साल तक का आपको स्पेयर पार्ट्स के लिए सपोर्ट भी मिल जाएगा। तो ये वारंटी के साथ आपको एक एक्स्ट्रा फीचर मिल रहा है इस ब्रांड की तरफ से। अब जितने भी मॉडल्स मैंने आपको दिखाए उनमें सबसे बेस्ट था बॉश का, जिसमें काफी सारे फीचर्स आपको मिल रहे थे। वॉश
वॉशेबल प्रोग्राम्स उसमें काफ़ी सारे थे और उसमें जो स्पेस थी वो भी सारे मॉडल्स के मुकाबले सबसे ज़्यादा थी। और सबसे जो चीप आपको पड़ रहा था वो था वोल्टास का, जिसमें स्पेस थोड़ी कम थी और उस हिसाब से उसका प्राइस भी काफ़ी कम हो गया था। आगे डिसीजन आपका रहेगा। ये छोटी सी वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है ताकि आपको डिशवॉशर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। अगर कोई ऐसे आप लोगों के सवाल हैं जो आपके मन में आ रहे हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। और अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।